नमस्ते सस्रीकाल एंड केम छो, दिस इज शेफ वर्षा एंड वेलकम टू माय चैनल वर्षा बेक एंड कुक स्टूडियो। सीजन ऑफ फेस्टिवल इज कमिंग अहेड, नवरात्रि बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट, इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ मील एंड प्लान आउट द मील। नवरात्रि इज बीइंग सेलिब्रेटेड डिफरेंटली अक्रॉस द इंडिया। 9 दिन का त्यौहार है जिसमें हम गॉडेस दुर्गा की पूजा करते हैं। फास्टिंग के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये ऑलवेज ही कन्फ्यूजिंग रहता है। तो आज मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करती हूँ, एक रेसिपी, बहुत ही सिंपल रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है कुट्टू डोसा। तो कुट्टू डोसा हम बकव्हीट फ्लावर से बनाएंगे और उसके साथ में हम टमाटो चटनी और फराली आलू की सब्जी सर्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कुट्टू डोसा कैसे बनाते हैं। कुट्टू डोसा बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप कुट्टू का आटा लीजिए, 1/2 कप साबूदाना जो हमने रात को भिगो के सुबह ग्राइंड करा हुआ है, थोड़ा सा जीरा, 1 टीस्पून ऑफ अजवाइन, 1 ग्रीन चिली चॉप्ड, रेड चिली पाउडर, 1 बाउल में कुट्टू का आटा डालिए, उसमें जो हमने ग्राइंड करके साबूदाना रखा हुआ है उसको ऐड करिए, अजवाइन, हाफ टी स्पून ऑफ जीरा, 1 ग्रीन चिली कट, रेड चिली पाउडर एज पर योर टेस्ट, 1 फराली नमक और चॉप कोरिएंडर, थोड़ी सी छाछ जो हम बैटर बनाने के लिए यूज़ करेंगे। छाछ ऐड करने से हमारी बाइंडिंग अच्छी आएगी और एक अच्छा सा खट्टा सा टेस्ट भी आएगा। सो छाछ ऐड करने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे बिस्कुट से और फिर इसको एक बैटर बना लेंगे। हमारा बैटर रेडी है, उसके 1/2 आवर तक हम इसको रेस्टिंग देंगे और फराली आलू बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालिए, ऑयल गर्म हो जाएगा उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा जीरा, 1/2 क्रैकल होने दीजिए, 2 करी लीव्स, 1/2 ग्रीन चिली, 1/2 जिंजर। यहाँ फास्टिंग का फूड बना रहे हैं इसलिए हम गार्लिक यूज़ नहीं करेंगे। आप चाहे तो इसके साथ में पीनट्स भी ऐड कर सकते हैं। हमने जो पोटैटो बॉईल करके कट करके रखे हैं उसको हम ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार फराली नमक, रेड चिली पाउडर, नाउ दिस मिक्स टुगेदर। एंड चॉप कोरिएंडर एंड मिक्स इट वेल। पोटैटो मैशर से उसको मैश कर लीजिए जिससे बिल्कुल सॉफ्ट और इवनली मिक्स हो जाएगा और हम पैनकेक में, हमारे कुट्टू डोसा में इजीली स्टफ कर सकते हैं। स्टफिंग का पोटैटो मतलब कि फराली आलू की सब्जी तैयार है। अब उसको हम थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालेंगे एज पर योर टेस्ट,
आलू अच्छी तरह से कुक होने के बाद हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक अलग बाउल में ठंडा होने के लिए। जब तक आलू ठंडा होता है चलिए बनाते हैं टमाटो चटनी। टमाटो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में ऑयल हीट करिए, उसके बाद इसमें थोड़ा सा जीरा डालिए, करी लीव्स, थोड़े पीनट्स, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को सॉटे करिए। पीनट्स हल्का भून जाए उसके बाद इसमें चॉप जिंजर डालेंगे। Then add chopped tomatoes. Here I've taken 4 chopped tomatoes. You can take as per your requirement. टमेटो चटनी बनाने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना है, टमेटोज हम सिलेक्ट करेंगे वो बिल्कुल ब्राइट रेड कलर के होने चाहिए। अब इसमें हम खराली नमक डालेंगे और उसको थोड़ा कुक होने देंगे। थोड़ा वाटर ऐड करिए और फिर उसको थोड़ी देर हल्के आंच में पकने दीजिए। टमाटर अच्छी तरह से गल जाने के बाद इसको चॉप कोरिएंडर डाल दीजिए। चटनी को ठंडी करने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम कुट्टू डोसा बनाना। कुट्टू डोसा बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन को हीट करिए मीडियम आंच पे और फिर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके हमने जो बैटर बनाया है कुट्टू डोसा का उसको उसके ऊपर डालिए। जब डोसा रेडी हो जाए तो उसके ऊपर थोड़ी सी पोटैटो की सब्जी स्टफ़ करिए। अगर आप नहीं चाहते स्टफ़ करना तो आप उसको सेपरेटली भी सर्व कर सकते हैं और फिर उसको फोल्ड कर दीजिए। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ट्यून्ड विद मी ऑलवेज। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।